हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ 5 ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फ्रिज का बोतल ले लिया है और इसे कट कर लिया है, और मैं इसे बताऊँगी कि ये कट करने के बाद क्या बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कट कर लिया दोनों बोतल को, और फिर इसमें हम होल कर देंगे गर्म तार से, जल्दी से हो जाएगा मेरा। और देखिए, हमने यहाँ पर होल कर लिया है। अब हम लेंगे एक सुई और यहाँ पे हम लेंगे कुछ रस्सी। तो हम चलिए इसे बना के दिखाते हैं आपको कि हम क्या बना रहे हैं। देखिए, ये मेरे पास बर्तन धोने वाला जाली है, जो हम लोग दिन में कई बार बर्तन धोते हैं, जिससे मेरा हाथ ख़राब हो जा रहा था और हाथ में हमेशा रुखड़ापन रहता था। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया और इससे हमने बर्तन धोने के लिए एक न्यू ट्रिक अपनाया। तो ये रहा मेरा, एक बन के तैयार हो चुका है जो जाली वाला है। यहाँ पे फोम है, फोम तो थोड़ा नाजुक होता है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हुआ। अब देखिए, मैं इसे धो के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से हम धो सकते हैं बिना हाथ को टच, मतलब जाली नहीं छूना है, बस यही ढक्कन पकड़ के और धो लेना है। ये मेरा मेहनत बहुत रंग लाया। ये जो मेरे हाथ में बहुत जैसे एकदम रुखड़ापन हो जाता था और दर्द करता था, इसलिए अब मैं एक और बोतल काटी हूँ, जो मुझे बेसिंग धोने के लिए भी, मैं दिन में 2-3 बार ज़रूर बेसिंग धोती हूँ, कि मुझे गंदगी से बहुत नफरत है, इसीलिए मुझे धोते धोते मेरे हाथ एकदम ख़राब हो जाते थे। अब देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक एडजस्ट किया है, जिसके सहारे हम इसे अंदर कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा। धोने में आसानी होगी, क्योंकि फोम मतलब नाजुक होता है बर्तन धोने वाला। तो ऐसे हम एक जुगाड़ लगाया और फिर बना दिया। फिर आपको धो के दिखा रहे हैं हम कि इसे कैसे धोना है। देखिए कितना आसान है, बिना हाथ मेरा देख सकते हैं कैसे हुआ है, इसीलिए मैं ये ट्रिक अपनाई हूँ। अगर अब बेटर लगे तो आप भी अपना सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, देखिए यहाँ मेरे बॉक्स हैं, जो उसमें सारे मतलब हल्दी नमक जो भी है हमने डिब्बे में रखा है, बचा हुआ तो बिखरा है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे चाट मसाला है, यहाँ पे बिरयानी मसाला है, तो हम सोचे कि एक बॉक्स ख़रीद के लाते हैं, फिर उस बॉक्स में हम ये सारे सामान को एडजस्ट करेंगे। तो देख लीजिए, हमने बॉक्स ख़रीद के लाए हैं और हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो सोचा कि आपसे भी शेयर कर लें। बाहर रखने से ज़्यादा कचरा दिखाई देता है और अच्छा भी नहीं लगता, और हवा से इसका मसाला जो होता है बिरयानी या चाट मसाला ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, हम एक डिब्बे में रखा है, ये है काला नमक, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ जो हम बच जाती है, हम लोग इधर उधर रख देते हैं, फिर खोजने में आसानी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे चाकू जो मेरा एक्स्ट्रा है, और जो छीलन है वो भी एक्स्ट्रा है, मैं उसी में डाल दी हूँ। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 के। ये है पॉट, जो गुलदस्ता के ही जो कह लीजिए, इसमें हमने प्लास्टिक के कवर लगाया है, जिससे मेरा पॉट और गुलदस्ता ख़राब ना हो, इससे हम आसानी से सफाई कर लें। और चलते हैं ट्रिक नंबर 4 के तरफ। यहाँ पे है मेरा कूलर, जो देखिए बस एक हफ्ते में इतनी गंदगी इसमें लग जाते हैं, तो ध्यान रहे हमेशा इसे सफाई करते रहें, तब ये क्लीन होगा, क्योंकि ये वाइट है और रूम में रखते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमने नमक, हम जब भी ख़त्म होता है तो हम लोग धोते नहीं, उसी डिब्बे में रख देते हैं, जिससे में हम लोग का जो नमक का डिब्बा है वो हमेशा भींगा जैसा रहता है। तो हमने पहले इसे धो के और फिर उसके बाद इसमें नमक रखा है। तो ये ट्रिक आप भी अपनाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ट्रिक नंबर 5 चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंघी है, जो गंदे हो जाते हैं, तो हफ्ता में एक बार क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए, और बहुत सारे जो हमारे घर में बिखरे पड़े रहते हैं, हमें खोज पूरे इकट्ठे करके और इसे सफाई करने के बाद, देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है, तो आप खुद देख सकते हैं। और ये है मेरी छोटी सी गुड़िया, जो आज कह रही है कि फ्रिज हम क्लीन करेंगे, तो वो खुद क्लीन कर रही है। और यहाँ पे है मिर्च, जो हम इसे एक कपड़े के सहारे सफाई कर लेंगे और फिर इसको हम एक डिब्बे में रख के फ्रिज में, जब ज़रूरत होगी तो हम फ्रिज से इसे लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं।